Everyone, this is CA Nikita Somani and today in this video I'm going to be teaching Indian Contract Act. आप देख सकते हो स्क्रीन पर इट इज रिटन इन द बोल्ड हैंड राइटिंग दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872 वो उसका बर्थ ईयर है, ठीक है, वो साल में वो एक्ट आया था. इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्विकली रिवाइज करेंगे. अच्छा, क्या होता है, पहले वाले वीडियो में क्या देखा था हमने, लॉ पढ़ना है. तो लॉ कहाँ से आया, उसका प्रोसीजर क्या है और लॉ क्यों बनता है. तो लॉ का प्रोसीजर हमने क्या देखा था, लॉ में पहले क्या होता है, कोई टॉपिक होता है, ठीक है, टॉपिक बनने के बाद उसके ऊपर बनती है टीम्स, मतलब बेसिकली हमने उसको बोला था कि कमिटीज बनती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाती है. वो कमिटीज बनने के बाद वो कमिटी उस टॉपिक के ऊपर अपना एक रिसर्च करती है. कौन सा रिसर्च बोला था हमने, इंटेंसिव रिसर्च करती है. इंटेंसिव रिसर्च होने के बाद हमने बोला था कि वो चीज कहाँ जाती है, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा में जाती है. लोकसभा और राज्यसभा में क्यों जाती है, डिलीशन, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, एडिशन, कुछ भी करना हो ये लोकसभा और राज्यसभा में होगा. वहां से वो चीज होकर जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कौरे जल्दी बोलो, वो है रामनाथ कोविंद जी. रामनाथ कोविंद जी के पास वो जाने के बाद, उनकी असेंट मिलने के बाद वो बन जाता है लॉ. उसको क्या हम बोलेंगे फिर, भारत का राजपत्र. हमने देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में, और अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी वो वाला जो लिंक है प्रीवियस वीडियो का, वो जाकर पहले देखना, वो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना. ओके, तो अभी शुरू करते हैं. व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन का तो मीनिंग पता ही होगा आपको, इंडिया, ठीक है, अभी उसका हम लोग नहीं पढ़ेंगे कुछ. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा. चलो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखो सिंपल है, एग्रीमेंट और उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ. इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट. अब आपको पता होना चाहिए कि फिर एग्रीमेंट क्या है. तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा ना चीजों को. कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले पढ़ना है. कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, ठीक है, ये दो चीजें तो हो गई. अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एग्रीमेंट प्लस लॉ है तो फिर एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन है. देखो एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट का डेफिनेशन होता है एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस. एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट. प्रोमिस, प्रोमिस, प्रोमिस देखो कैसा होता है, कुछ भी प्रोमिस हो सकता है ना. एक्स ये वाई, देखो किसी का नाम नहीं लेते, डायरेक्ट एक्स वाई लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, तो किसी का नाम हो गया तो बोल देंगे हमको ही बोल दिया, इसीलिए एक्स और वाई लेंगे. ये देखो इसने किया प्रपोज, कोई भी चीज के लिए प्रपोज, मतलब शादी के लिए प्रपोज नहीं होता यार, कोई भी चीज के लिए प्रपोज. बोला कॉफी पे चलोगी क्या, इसने बोला हाँ, यस, प्रपोज किया, प्रपोज का आंसर यस मिल गया. कोई भी चीज का आंसर अगर यस हो, एसेंट पॉजिटिवली मिल जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट. कॉफी पे चलोगी, डिनर पे चलोगी, शादी करोगी, कोई भी चीज के लिए अगर यस, हाँ आंसर मिल गया तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट. अभी एग्रीमेंट का हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस. तो फिर प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है, ये वाला है प्रॉमिस का डेफिनेशन. ये जो नीचे हमने पढ़ा ना, ये है प्रॉमिस का डेफिनेशन, कि अगर किसी पर्सन को प्रपोज करो कुछ और उस प्रपोजल का आंसर अगर यस में मिल जाए, मतलब एसेंट मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट तो बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है, वो लीगल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है. किसी ने बोला मैं अपना घर बेचूंगा, क्या ये एग्रीमेंट है, हाँ ये एग्रीमेंट है, अगर सामने वाला पर्सन बोलता है यस, ठीक है, ये एग्रीमेंट बन गया. अगर कोई बोलता है डिनर पे चलोगी, हाँ बोल दिया, क्या ये एग्रीमेंट है, हाँ ये एग्रीमेंट है. किसी ने बोला चाय पीने चलोगी, हाँ बोल दिया, ये एग्रीमेंट है. तो अभी ये तो पता पड़ गया कि एग्रीमेंट किसको बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं. तो उसका ना हम ब्रीफली मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस. बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट.
तो देखो एग्रीमेंट का मीनिंग हमने क्या बोला, सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट, और इसके साथ एग्रीमेंट प्लस लॉ, मतलब एग्रीमेंट के साथ अगर लॉ जुड़ गया तो वो बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी स्कोप देखते हैं, स्कोप क्या है, ये थोड़ा सा वाइडर टर्म है। देखो दुनिया में ना हर दिन हर आदमी प्रॉमिस करता है, हर दिन प्रॉमिस करता है, और अगर प्रॉमिस कर दिया और उसका असेंट मिल गया, हर रोज हम कितने ही एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट्स का जो स्कोप है वो वाइडर है, क्योंकि इसमें लीगल भी आते हैं और इसमें सोशल भी आते हैं। लीगल चीजें भी आती है और सोशल चीजें भी आती है। लीगल मतलब मैं अपना घर तुमको बेचूंगा, हाँ बोल दिया, पैसे कल दूंगा, अगर ये चीज हो गई तो ये क्या हो गया फिर, एग्रीमेंट। इसके ऊपर लॉ का कोई ठप्पा लगा क्या, नहीं, पेपर पे लिख लेंगे तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल मतलब क्या, कॉफी पीने चलो, चाय पीने चलो, डिनर करने चलो, ये सारी चीजें क्या हो गई फिर, सोशल। तो ये क्या हो गया, स्कोप। अब ये वाइडर स्कोप है, दुनिया की हर चीज एग्रीमेंट हो सकती है, बट दुनिया की हर चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इट हैज अ नैरो सेंस। नैरो सेंस मतलब हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट में हम इसको ये बोल सकते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने, ये देखो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ना यहां पर, एग्रीमेंट इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा यहां पर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एग्रीमेंट प्लस लॉ, एग्रीमेंट प्लस लॉ। इसीलिए बोला जाता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आती है बात। अभी चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट सपोज ये दो लोग हैं, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, इनके बीच में एग्रीमेंट तो बन ही गया, एग्रीमेंट बन ही गया क्योंकि असेंट दे दी पॉजिटिवली, तो दैट बिकेम एन एग्रीमेंट। अच्छा इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, बट देखो बोले हम 2 लाख का लोन देना है, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई को बोलता है प्लीज वाई क्या आप मुझे लोन दोगे, वाई ने बोला यस मैं तुमको लोन दूंगा, तो ये बन गया एग्रीमेंट। बट अभी देखो वाई को ऐसे एक्स पे भरोसा नहीं है, वाई बोलता है देखो कोई तो ना एक हम बीच में वो रखते हैं जो श्योरिटी देगा कि आप पे ही करोगे, तो इसका नाम हम रख देते हैं जेड, ठीक है। एस ने वाई से मांगा, वाई ने बोला हाँ मैं दे दूंगा, बट प्लीज कोई तो एक बस आप श्योरिटी रख दो, तो श्योरिटी बन गया जेड। जेड ने बोला अगर एक्स आपके पैसे वापस नहीं करता है तो पैसे कौन देगा, मैं दूंगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा जेड बोलता है कि अगर एक्स ने आपके पैसे नहीं दिए तो आपके पैसे मैं जेड दूंगा, ठीक है। पर वाई ने बोला प्लीज कुछ लिख के दे दो, राइटिंग में दे दो, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट बना लो, एग्रीमेंट तो हो गया, मुंह जबानी बोल दिया ये एग्रीमेंट बन गया, प्लीज आप इसको लॉ का ठप्पा भी लगा दो, पेपर पे लिख दो तो हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। अच्छा तो इसने क्या कर दिया, इस पर साइन कर दिया, किसने साइन कर दिया, इन दोनों ने, एक्स ने और जेड ने, कि ठीक है अगर मैंने एक्स ने पैसे नहीं दिए तो कौन देगा, जेड पैसे देगा, और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर कल को उठ के एक्स पैसे नहीं देता तो वाई किसी के पास जा सकता है क्या, हाँ वो जेड के पास जा सकता है, वो जेड को बोल सकता है देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया था कि एक्स पैसे नहीं देगा तो आप पैसे देने वाले हो, अब मुझे आप पैसे दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और क्या वो कोर्ट में जाके उनको सू कर सकता है, कैन ही से दैट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था और अभी ये ब्रीच कर रहे हैं, क्या इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हाँ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्या वो कोर्ट जा सकते हैं, हाँ वो कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि लिख लिया है,
ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ. अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन, तो हम एग्रीमेंट के लिए क्या ये बोल सकते हैं, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. चाय पीने चलना है, एग्जाम्पल टी कॉफी. सपोज आप किसी को बोलते हो डिनर के लिए चलोगे, सामने वाले ने बोला हाँ, कल तो हाँ बोला था, पर आज इतना काम आ गया उनके पास कि उन्होंने बोला यार पॉसिबल नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिला, अब आज नहीं जाते, कभी और चलेंगे. तो क्या आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये मेरे साथ डिनर के लिए नहीं आए? कैन यू से दिस? नो, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इस पर लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है. तो दिस मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है. तो ये हर बार किसी को राइट नहीं देता ऐसा कि जाकर के आप इसको कोर्ट में सू कर लो, ठीक है. तो दिस डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. दूसरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है? हाँ, होता ही है. नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. इसमें डेफिनेटली दोनों पार्टीज को राइट्स होते हैं, कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अगर फुलफिल नहीं किया या कोई ब्रीच किया, तो उसके पास हमेशा ऑप्शन होता है कोर्ट में जाकर बोलने का कि इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, फुलफिल नहीं किया और ब्रीच कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास राइट्स होते हैं. इट ऑलवेज हैज राइट्स विद द पार्टीज, ठीक है. और नेचर, नेचर हमने सिंपली बोल दिया था, यहां पर लिखा था ना मैंने, यहां पर लिखा मैंने नेचर में, आप यहां पे लिख सकते हो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, क्योंकि एग्रीमेंट पहले बनता है उसी के बाद जाकर के वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ जब लॉ का एनफोर्सिबिलिटी ऑफ जब लॉ लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. तो ये बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसको क्विकली हम लोग नोट्स में भी देख लेते हैं. देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर उन्होंने डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन टू एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ. फिर एग्रीमेंट को क्या बोला है यहां पर, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है. उसके बाद प्रॉमिस क्या होता है, व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू. असेंट, 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 ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. हां बोल दिया तो वो बन जाता है क्विकली क्या, एग्रीमेंट. ये यहां पर उन्होंने देखो बोला है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बन जाता है प्रॉमिस. तो यहां पर दो चीजों को डिस्कस किया है, क्या, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस. देखो यहां पर एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया है, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट. और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब विच गिव्स राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ. और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड प्रपोजल, एसेंट देते हैं ना, हमने वर्ड ऊपर पढ़ा एसेंट, जब वो एसेंट मिल जाती है, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और वो एग्रीमेंट बन जाता है और उसको एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मिल जाता है, तो वो बन जाता है क्या, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. अभी यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया है, ए एग्रीज विद बी टू सेल अ कार फॉर 2 लाख, ठीक है. हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन, ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी एंड बी हैज राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख. 2 लाख रुपए बी ने दे दिया तो उसको राइट है कि वो कार को रिसीव कर ले, और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज एन, ये देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच ऑब्लिगेशन विच हैज रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट्स, ठीक है, विच आर रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट्स. सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. ये कॉन्ट्रैक्ट ही है टू सेल अ कार, और इनको पैसा मिल गया 2 लाख रुपए, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट. बी को अपनी कार मिल गई, ए को अपने पैसे मिल गए.
बट सम ऑब्लिगेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या हो सकते हैं वो, ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किया है. बोला है एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. शादी होती है, कोई लड़का अगर अपने वाइफ और बच्चों को संभाल रहा है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. भले ही वो कोर्ट बोलता है, ऑर्डर होता है कोर्ट का आप संभालो, भले ही वो स्टेटस ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, वो स्टेटस ऑब्लिगेशन होता है, बट इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और यहां पर फिर उन्होंने देखो डिफरेंस दिया है. एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और यहां पर बोला है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. फिर उसके बाद उसका स्कोप, स्कोप क्या है, इट इज वाइडर इन टर्म क्योंकि लीगल और सोशल दोनों आते हैं. और ये क्या है, ये नैरो सेंस है और यहाँ पर ओनली लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स आएंगे. ठीक है, यहाँ पर कौन से एग्रीमेंट आएंगे जो लीगली एनफोर्सिएबल रहेंगे, और यहाँ पर क्या आएंगे, सभी आएंगे, लीगल प्लस सोशल. उसके बाद इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, है ना, बोला था ना हमने टी कॉफी का एग्जाम्पल और डिनर का एग्जाम्पल दिया. इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड इट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. इट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज, मतलब कोई एक पार्टी ने अगर डिच कर दिया तो दूसरी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि यार आपने डिच कर दिया और अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये बताने के लिए कि इन्होंने प्रॉमिस किया था और इन्होंने फॉलो नहीं किया. ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है क्या, हाँ, इट नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. पेपर पे कोई चीज लिख ली तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, पीछे बैकबोन अगर लॉ आ जाता है उसके तो वो लीगली एनफोर्सिएबल बन जाता है. और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टन राइट्स टू एवरी पार्टी, किसी ने भी अगर फॉलो नहीं किया तो बस वो कोर्ट में जा सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, और दैट पर्सन इज देन पनिशेबल. ठीक है, और फिर नेचर हमने देखा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके ये कुछ पूछ सकते हैं, दूसरे फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बाकी तो कुछ खास है नहीं. अगर ये क्वेश्चन ही ऐसा डेफिनेट पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको ये चारों चीजें बतानी पड़ेगी, मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर. मीनिंग तो बाय डिफॉल्ट है कि वो लिखना ही पड़ेगा, स्कोप में वाइडर टर्म, नैरो टर्म, फिर लीगल एनफोर्सिबिलिटी में क्या आएगा कि इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, और दूसरे में क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट में इट ऑलवेज क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. और नेचर तो हमने देख ही लिया, All agreements are not contract, but all contracts are agreement. So, yes, this is the brief introduction of what is called as contract. ठीक है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि agreements क्या है, contract क्या है, सारे definitions क्या है, इन दोनों का difference क्या है. ठीक है, और हमने यहाँ पर एक example भी देख लिया जो book में ऐसा का ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, अगर कोई क्वेरीज या कुछ आए तो देर आर थ्री टैब्स गिवन हियर, दिस PDF वुड बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो आप इन तीनों बटन पर क्लिक करोगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ऑल द थ्री ऑप्शंस, दैट इज मेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो. आपको लगता है कि बाकी सारे वीडियोस जो मैं पोस्ट करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको आने चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. सो टिल आई अपलोड द वेरी नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय गाइज.